समुद्र का तो ऐसा है कि जितना देखो उतना ही अच्छा लगता है और मन भरता ही नहीं है। दिल करता है वैसे देखते रहो। तो भाई यहाँ गंदगी फैलाने पे 2000 बाट का चलान है। सॉरी खाप फोटो शूट चल रहा है बकायदा। पता नहीं इतना कैसे बोल रही, इतनी जानकारी कहाँ से ले आई है एक साथ ही। अपने तो बस की नहीं है एक साथ इतना सारा बोलना। मेरे कितना बोल रही भाई, कितना बोल रही है। हेलो, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और मैं फ़िलहाल यहाँ आया हूँ जहाँ से मुझे सुबह कोरल बीच जाना है। तो यहाँ पर उसका टिकट मिलता है, यहाँ पे बुकिंग होती है। सुबह मुझे जाना है तो उसके लिए मैं अभी से बुकिंग करा देता हूँ, क्योंकि सुबह 8:30 बजे करीब निकलना पड़ेगा यहाँ से। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अभी दिन में दोपहर में जहाँ पर मैं गया था तो ये वो जगह ठीक मेरे सामने दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये सुबह आपको याद होगा तो मैंने आपको यहीं से वीडियो बनाई थी। समुद्र का तो ऐसा है कि जितना देखो उतना ही अच्छा लगता है और मन भरता ही नहीं है। दिल करता है वैसे देखते रहो। इस टाइम सारी स्पीड बोट वापस आ जाती हैं कोरल बीच से। अभी कुछ और भी आ रही होंगी धीरे धीरे। ये सब टूरिस्ट वहीं से आ रहे हैं कोरल बीच से घूम के इस टाइम। यही है वो जगह जहाँ से हमें बुकिंग करानी है मेरे को। ये सारे टूरिस्ट वापस आ रहे हैं यहाँ से जो कोरल बीच गए थे सुबह। और भी एक दो बीच होंगे ज़रूर जो यहाँ से जाते होंगे। शाम के टाइम सब लोग वापस आ जाते हैं। No retreat penalty for violence। तो भाई यहाँ गंदगी फैलाने पे 2000 बाट का चलान है, देख सकते हो आप। इतना बड़ा चलान रखेंगे तभी यहाँ पर कोई सुधर पाएगा, नहीं तो बहुत गंदगी रहेगी। यहाँ से बुकिंग होती है कहीं घर से, सुबह 6:30 से स्टार्ट हो जाता है यहाँ फ्रॉम कोहला एंड फ्रॉम पटाया। यहाँ से सुबह 7:00 से स्टार्ट हो जाता है, मतलब शाम को 6:30 तक जाता है मेरे ख्याल से लास्ट ईयर। यहाँ स्पीड बोट गो एंड बैक अप डाउन 300 बार एंड लंच इंक्लूड आल्सो फूड में 1 फॉर द सेलिंग 800 बार ओके 1 जेट स्की बनाना ओके sea walk okay I don't want these all, I want to go only coral beach 300 baht yeah tomorrow what one. time one way 50 one okay way, yeah. tomorrow what the time the time start 9 o'clock 1 hour time it's 7 to 1 9 o'clock 10 o'clock 11 o'clock okay tomorrow so, where you go you call for me I have four phone for you. Okay. Number 1, 2. Okay. You will meet me here? Noon. There? Yeah. You will stay there? Yeah. In morning? Yeah. Yeah. This number your? Yeah. Number 1. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Sadi khap. 300 baht ka ek ticket hai ek bande ka. Aur 4 saal pehle ye यही था 200 वाट का, 100 वाट बढ़ा दिए हैं इसमें। किसी और से मालूम कर लेता एक बार, क्योंकि ये इंडियन लंच देते हैं। वैसे खाना तो कोई खास होता नहीं है, बस काम चला होता है। लेकिन हाँ, अगर साथ में कुछ फ्री मिल रहा है हम इंडियंस को तो अच्छा लगता है। Oh.
मेरे ख्याल से 2-3 लाख तो फॉरनर या 2-3 लाख टूरिस्ट तो आ ही जाते हैं एक साल में या ज़्यादा। कोविड के टाइम पे यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ होगा इन लोगों का, सबका ही हुआ था खैर पूरे वर्ल्ड में, इनका ज़्यादा हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पैसा लुटाने के लिए आते हैं लोग अफ्रीका।你不是啊，我说说你，你会说中文？对。他会说一些中文。एक यूट्यूबर घूम रही थी यहाँ पे वो, लेकिन वो शायद टिकटॉक के लिए वीडियो बना रही थी क्योंकि उसने फॉर्मेट लंबा लगाया हुआ था, यूट्यूब के लिए वीडियो नहीं बना रही थी वो। वो भी उस बंदे से स्टैचू जो बना हुआ खड़ा था ना उससे कुछ पूछ रही थी वो अपनी लैंग्वेज में, भाई मेरी समझ में आया नहीं, अब वो ही इंग्लिश जानता नहीं होगा, नहीं मैं भी थोड़ी बकवास कर लेता वहाँ खड़े हो गए उसके साथ। अब फोटो शूट चल रहा है बकायदा, एक वहाँ चल रहा है उसका, देख रहे हैं ये रात की राइड करा के लाएगी, मतलब इवनिंग में घुमा के लाएगी करीब 2 घंटा। सामने आप देख सकते हो यूट्यूबर, ये कंटिन्यू तब से बोल रही है, भाई इतना बोल रही है, पता नहीं इतना कैसे बोल रही है, इतनी जानकारी कहाँ से ले आई है एक साथ, ये अपने तो बस की नहीं है एक साथ इतना सारा बोलना। ये यहाँ के बारे में भी बता रही है कि कैसे बोट मिलनी है क्या, वही सब बता रही होगी जहाँ तक मेरा आइडिया है, क्योंकि तो ये सारी बोट दिखा रही है पब्लिक को दिखा रही है, वही सब जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। लेकिन ये कंटिन्यू बोल कितना रही है ये समझ में नहीं आ रहा मेरा, कितना बोल रही है भाई, कितना बोल रही है, जुबान रुकी नहीं है एक मिनट के लिए भी, कंटिन्यू लगी बढ़िया लगी बढ़िया। अभी पीछे एक और दिखी थी मुझे, वो भी कंटिन्यू पटक पटक कही जा रही थी, कोशिश करता हूँ उसको दिखाने की आपको। फिलहाल यहाँ पूरा खाली सा हो गया, अब ये आप देख सकते हो पीछे सुनसान हो गया सारा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा पहला वीडियो है, पहला ब्लॉग है, तो मैं अभी कुछ एडिटिंग वगैरह करके धीरे धीरे पोस्ट करता रहूँगा यूट्यूब में। बाय बाय, गुड नाइट। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे जज मत करना, और अगर कोई गलती होती है मेरे से वीडियो में तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट में लिखकर, और कुछ अच्छा सजेस्ट करोगे तो मैं बिल्कुल मानूंगा आपकी। हो सकता है कि मुझसे काफ़ी गलती हो रही है, मेरे बोलने का तरीका गलत आ रहा हो या कुछ भी, फर्स्ट टाइम है मेरा, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा।